हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निर्दोष और मेरी चैनल टेक ज्ञान पर सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगेन हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स के बारे में। हालांकि टेक अपडेट्स में आपको बताना शुरू करूं उससे पहले जरूरी बात कि मैं वीडियो देखो रेगुलर नहीं बना पा रहा हूँ काम और हेल्थ की वजह से, पर जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बना देता हूँ। तो उसके अंदर यस्टरडे या फिर एक दो दिन की सब आज को लेकर भी जो है मिक्स अपडेट होती है। सो आप अभी थोड़े वक्त के लिए जो है ऐसे ही काम चला लीजिए कि रेगुलर वीडियो कब तक मैं स्टार्ट कर पाऊंगा मुझे पता नहीं है, बट मैं ट्राई करता हूं जितना जल्दी हो सके आपके लिए जो है अपडेट्स में पहुंचाता रहूं। दूसरी जरूरी बात कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख पाओ। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो रिकमेंड हो, अगर उनको पसंद आए तो वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन पाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए अब देखते हैं कि आज क्या टेक अपडेट्स निकल के आई है। जो पहले अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेडमी के स्मार्टफोन के बारे में। मैं बताऊँ रेडमी K50 सीरीज के पहले स्मार्टफोन के बारे में, जो ल्यू वीबिंग ने जो एक पोस्ट करके बताया कि बहुत जल्दी जो है आपको रेडमी K50 सीरीज का जो गेमिंग स्मार्टफोन है वो लॉन्च होते देखने को मिलने हैं। और कहा जा रहा है कि 25 फरवरी या 28 फरवरी के आसपास जो है हमें ये रेडमी K50 सीरीज का पहला रेडमी K50 गेमिंग स्मार्टफोन जो है वो देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं कि कौन से स्पेसिफिकेशन के साथ जो है हमें रेडमी का ये रेडमी K50 गेमिंग स्मार्टफोन जो है वो देखने को मिलता है। इस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है टेक्नो के स्मार्टफोन के बारे में। तो टेक्नो पोवा 5G स्मार्टफोन का एक पोस्टर सामने निकल गया है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जिससे पता चला है कि अब जो है 8 फरवरी को जो है टेक्नो पोवा 5G स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च होने वाला है, जिसके अंदर हमें 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है, साथ ही में 6.9 इंच का फुल HD+ डॉट इन डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं कि कौन सी प्राइस पे जो है हमें टेक्नो पोवा 5G स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च होते हुए देखने को मिलता है। इस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है रियलमी के स्मार्टफोन के बारे में। मैं कहूँ रियलमी C35 स्मार्टफोन के बारे में, ये अब थाईलैंड के अंदर जो है 10 फरवरी को जो है वो लॉन्च होने वाला है, यानी कि एशियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहा है, यानी कि बहुत जल्दी हमें ये स्मार्टफोन इंडिया में भी लॉन्च होते देखने को मिलने वाला है, जिसके कुछ फोटोज आए हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा हूँ, साथ ही में उसके कुछ स्पेसिफिकेशन भी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस स्मार्टफोन के अंदर जो हमें 6.6 इंच का फुल HD+ LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, यूनियन SoC T616 चिपसेट देखने को मिलने वाला है, ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप है जो है 50+2+2 का, 8 MP का सेल्फी कैमरा, 5000mAh की बैटरी, 18W का फास्ट चार्जिंग, साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर, 4GB रैम वेरिएंट के अंदर जो है हमें ये लॉन्च होते देखने को मिलने वाला है, USB Type-C का सपोर्ट और साथ ही में 3.5mm जैक का सपोर्ट भी जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं कि ये स्मार्टफोन थाईलैंड में कौन से प्राइस में लॉन्च होता है और इंडिया में आता है, तो देखते हैं कि इंडिया के अंदर हमें ये स्मार्टफोन कौन सी प्राइस में देखने को मिलता है। इस अपडेट के बारे में बात करने वाला है वो भी है रियलमी के ही स्मार्टफोन के बारे में। मैं कहूँ रियलमी 9 Pro के फर्स्ट लुक कह लो उसके बारे में ये, सो उसके 3 कलर वेरिएंट जो है उसका एक फोटो निकल के सामने आया है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि सनराइज ब्लू, ऑरा ग्रीन और मिडनाइट ब्लैक, ये 3 कलर के अंदर तिहारा की तीनों ही ग्लॉसी कलर है। सो ये 3 कलर के अंदर जो हमें रियलमी का रियलमी 9 प्रो स्मार्टफोन जो है वो देखने को मिलने वाला है। ज़्यादा दूर नहीं है इसके लॉन्च से। अब देखते हैं कि कौन सी प्राइस पे हमें ये स्मार्टफोन जो है इंडिया में देखने को मिलता है। इस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको यानी कि जो अपकमिंग स्मार्टफोन वाला वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिक्स का 05G स्मार्टफोन आने वाला है, उसका रेंडर का फोटो भी मैंने आपको दिखाया था। सो अभी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, पोस्टर आ चुका है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा हूँ कि इन्फिनिक्स 05G स्मार्टफोन जो है अब 14 फरवरी को जो है ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है और ये फ्लिपकार्ट के थ्रू जो है हमें सेल होता हुआ देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं कि कौन से स्पेसिफिकेशन के साथ और कौन से प्राइस के साथ इन्फिनिक्स अपना पहला 05G स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च करती है। इस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जिस ब्रांड के स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं वो है पोको के बारे में। और हालांकि ये अपडेट जो है 2 दिन पहले की है, बट इसे मैं आज कवर कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है। सो पोको की तरफ से एक ट्वीट आया था, जो ट्वीट मैं आपको स्क्रीन पर उसका स्क्रीनशॉट जो है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, और कहा जा रहा है कि 4 सीरीज़ का स्मार्टफोन यानी कि पोको M4 प्रो 5G स्मार्टफोन जो है, हालांकि उन्होंने पोको M4 प्रो 5G कहा नहीं है, बट मान के चलिए पोको M4 प्रो 5G स्मार्टफोन जो है वो बहुत ही जल्दी हमें इंडियन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलने वाला है, यानी कि ये रेडमी नोट 11 सीरीज़ का मे बी कोई रीब्रांडेड वर्जन जो है वो हमें शायद देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि ये पोको M4 प्रो 5G स्मार्टफोन कैसा निकलता है, कौन सा निकलता है, देखते हैं कि आगे इसके बारे में हमें क्या अपडेट्स मिल पाती है। अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है OnePlus के स्मार्ट टीवी के बारे में। तो OnePlus ने खुद ट्वीट करके बताया है, जो ट्वीट है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। OnePlus की तरफ से जो है OnePlus का टीवी Y1S और Y1S Edge ये दोनों ही टीवी जो हमें इसी महीने यानी कि फरवरी महीने के अंदर जो है लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। डेट अभी तक कंफर्म नहीं है, बट देखते हैं कि कौन से स्पेसिफिकेशन के साथ और कौन से डेट को जो है हमें OnePlus की तरफ से ये दो नए स्मार्ट टीवी जो है वो लॉन्च होते हुए देखने को मिलते हैं। मे बी शायद ये Y सीरीज़ के जो स्मार्ट टीवी वो मे बी शायद हो सकते हैं कि शायद लोअर रेंज के कुछ
टीवीज जो हमें देखने को मिल सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन सी प्राइस रेंज के अंदर ये नई टीवीज जो है वो वन प्लस लॉन्च करती है। इसके बारे में बात करने वाले वो है रियलमी के स्मार्टफोन के बारे में। तो जैसे कि अपकमिंग स्मार्टफोन वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया था, उससे पहले टेक्निक्स के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि रियलमी 9 प्रो सीरीज जो है, यानी कि रियलमी 9 प्रो और रियलमी 9 प्रो प्लस, ये दोनों स्मार्टफोन ग्लोबली हमें 15 फरवरी को जो है लॉन्च देखने को मिलने वाला है। और मैंने आपको अपकमिंग स्मार्टफोन वाले वीडियो में कहा था फरवरी एंड तक हमें फॉर श्योर जो है ये स्मार्टफोन हमें शायद इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो उसका ऑफिशियल पोस्टर भी आ चुका है, ये भी 2 दिन पहले की अपडेट है, बट कवर करना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको पोस्टर भी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि 16 फरवरी को जो है Realme 9 Pro सीरीज जो है, यानी कि Realme 9 Pro और Pro Plus, ये दो स्मार्टफोन जो है इंडिया में भी लॉन्च होने वाले हैं। अब देखते हैं कि कौन सी प्राइस पे जो है Realme अपने नए Pro सीरीज वाले स्मार्टफोन जो है वो लेके आती है। अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है Apple के AirPods Max 2 के बारे में। उसका एक डिज़ाइन कह सकते हैं कि हम स्केच निकल के सामने है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, और कहा जा रहा है कि इस डिज़ाइन के जो है हिसाब से कहा जा रहा है कि इसके अंदर हमें जो है टच कंट्रोल जो है वो देखने को मिलने वाला है। यानी कि जैसे हम AirPods के अंदर जैसे कि हमें टच कंट्रोल देखने को मिलते हैं TWS के अंदर, तो वैसे ही जो है हमें इस बार Apple AirPods Max 2 के अंदर भी जो है टच कंट्रोल्स देखने को मिलने वाले हैं। विदाउट टच कंट्रोल्स की प्राइस इतनी है, तो सोचिए कि टच कंट्रोल के साथ जो है और कुछ नए अपग्रेडेशन के साथ इसकी प्राइस में क्या देखने को मिल सकती है, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। मुझे बताएं कि क्या आप Apple के AirPods Max जो है वो यूज़ करना पसंद करते हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। इस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है Samsung Galaxy Tab के बारे में, यानी कि Samsung Galaxy Tab S8 Ultra के Evolix की तरफ से कुछ रेंडर्स निकल के आए, जो फोटोज़ है वो मैं आपको उसमें पे दिखा रहा हूँ। काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन हमें देखने को मिल रहा है और काफ़ी बड़ा हमें जो है ये Samsung की तरफ से Tab S8 Ultra जो है वो देखने को मिल रहा है। उसका कीबोर्ड भी जो है वो भी देखने को मिल रहा है, यानी कि मैग्नेटिक कीबोर्ड जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है। साथ ही में S Pen का सपोर्ट भी हमें इसके अंदर देखने को मिल रहा है। सो अब देखते हैं कि कब तक हमें लॉन्च होते हुए देखने को मिलता है और कौन से प्राइस और कौन से स्पेसिफिकेशन के साथ Samsung इसे आने वाले टाइम के अंदर लॉन्च करती है। अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है Vivo के स्मार्टफोन के बारे में। तो Vivo के एक नेक्स्ट 5 स्मार्टफोन का जो है एक फोटो निकल के सामने आया पोस्टर, जो मैं आपको सिंपली दिखाना चाहूँगा। साथ ही मैं उससे पहले अपकमिंग स्मार्टफोन वाले वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया कि शायद नेक्स्ट सीरीज का कुछ ना कुछ अपडेट जो है वो हमें इस महीने देखने को मिल सकती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टर आप देखिए कि इसमें लिखा हुआ है 2022, यानी कि फरवरी महीने के अंदर जो हमें फॉर श्योर या नेक्स्ट 5 स्मार्टफोन जो है वो चाइना में लॉन्च होते देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, कालजाय लेंस का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रहा है और पंच होल सेंटर में कटआउट जो है वो देखने को मिल रहा है। सो अब देखते हैं कि कौन से स्पेसिफिकेशन के साथ Vivo अपना ये नेक्स्ट 5 स्मार्टफोन जो है वो लेके आती है। अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है iQOO के स्मार्टफोन के बारे में। तो iQOO 9 सीरीज का जो पेज है Amazon के ऊपर वो लाइव हो चुका है, यानी कि मान के चलिए थोड़े दिनों के अंदर जो हमें फॉर श्योर iQOO 9 सीरीज का जो लॉन्च है वो इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं कि कौन कौन से स्मार्टफोन, 2 से 3 स्मार्टफोन लॉन्च हो सकते हैं इसके अंदर। सो देखते हैं कि कौन कौन से स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च करते हैं और कौन सी प्राइस पे हमें ये iQOO 9 सीरीज के स्मार्टफोन जो है वो इंडिया में लॉन्च होते हुए देखने को मिलते हैं। जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है Vivo के स्मार्टफोन के बारे में। तो Vivo की तरफ से Vivo T1 5G स्मार्टफोन जो है लॉन्च होने वाला है 9 फरवरी को इंडिया के अंदर। ये टी सीरीज़ का पहला स्मार्टफोन जो है वो Vivo की तरफ से हमें लॉन्च होते देखने को मिलने वाला है। अब उसके लॉन्च से पहले स्पेसिफिकेशन जो है वो लीकों के सामने है, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। कहा जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है उसके अंदर हमें 6.58 इंच का फुल एचडी प्लस LCD 120Hz वाला डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। Qualcomm Snapdragon 695 के ऊपर ये रन करने वाला है। ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप होने वाला है, जो है 50+2+2, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000mAh की बैटरी, 18W का फास्ट चार्जिंग, 6, 4, 6 और 8GB रैम का हमें सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। साथ ही 128GB की स्टार्टिंग स्टोरेज जो है वो हमें देखने को मिल सकती है, साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर और 3.5mm जैक का सपोर्ट भी जो है वो भी हमें इसमें देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं कि कौन सी प्राइस पे जो है 9 फरवरी को Vivo अपना ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करती है। इसके बारे में बात करने वाले हैं वो है iOS 16 के एक फर्स्ट लुक के बारे में, जो हमें लीक्स प्रो की तरफ से जो है वो देखने को मिल रहा है। एक फोटो, जो फोटो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और ये नोटिफिकेशन विंडो का जो है वो फोटो है, जिसके अंदर एक दो चीज़ें जो है वो थोड़ा छोटी करके कुछ ऐड की गई है। आप देख सकते हो इसके अंदर कि मैप का भी एक कॉलम आपको देखने को मिल रहा है, फिर फेस टाइम का भी एक जो है एक छोटा सा वहाँ पे आपको विजेट जो है वो देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि iOS 16 के अंदर हमें इस साल नए नए कौन से चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट के साथ हमें देखने को मिलता है। और इस बार जो कहा जा रहा है कि डिज़ाइन में जो है नॉच नहीं देखने को मिलने वाली है, एक पंच होल कटआउट देखने को हमें मिलने वाला है। सो देखते हैं कि iOS 16 के अंदर भी हमें इस बार कौन से नए नए चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है iOS 16 से, अगर आप iOS यूज़र हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक ये वीडियो रिकमेंड हो। अगर उनको पसंद आए तो वो भी हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन पाए। साथ ही अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो,
तो इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे जाके टैगियन सर्च कीजिए और वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हो। मैं जितना जानता हूँ उतना वो गाइड करने की जरूर कोशिश करूँगा। साथ में मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। साथ ही में बेल आइकन को दबाकर ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उस वीडियो को देख पाओ। तब तक के लिए अब घर में रहिए, सेफ रहिए, बिना काम के बाहर मत निकलिए, मास्क जरूर पहने और टाइम टू टाइम हैंड वॉश करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।